नमस्कार, आपका स्वागत है RPR एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज किस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे आई हुई बड़ी खुशखबरी के बारे में। या फ्रेंड्स, आप लोग को बता दे, अभी जो है बिहार में डाटा एंट्री ऑपरेटर की नई भर्ती और बहाली की अपडेट आई हुई है। साथ ही साथ अन्य भी बहाली की अपडेट आई हुई है अन्य पदों पर, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को परिपूर्ण जानकारी देंगे। क्या है पूरी जानकारी, पूरी अपडेट आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप लोग को सटीक जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने न्यूज़ और नोटिस पे आ चुके हैं। आज ही का लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से कुछ इस प्रकार से प्रकाशित होकर आ रही है, देख पाएंगे। पूरी डिटेल्स के साथ जानकारी दी गई है, आप लोग को शॉर्टकट तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग यहाँ पे देख लेते हैं। जानकारी प्राप्त हो रही है कि सांख्यिकी कर्मियों की जो है जल्दी जो है बहाली होगी, और ये बहाली जो है आप लोग को बता दें दो चरणों में होगी, ठीक है। और ये अभी जो है बहाली होगी वो 50% पे होगी, और दूसरी बहाली फिर 50% पे होगी। पहली बहाली आप लोग का जो है आप लोग को बता दें सेना भर्ती कर्मियों के लिए होगी, दूसरी बहाली आप लोग का जो है योग्य अभ्यर्थी है उनके लिए होगी। तो आप लोग को बता दें राज्य में जो है पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत जल्दी जो है सांख्यिकी गणकों और जो है प्रगति सहायक की जो है बहाली होगी। इन कर्मियों के सहारे सरकार राज्य में जो है अंडा, मांस, दूध, मछली इत्यादि खपत का जो है सर्वे करती है, और ये विभाग हर तीन माह पर जो है अपनी रिपोर्ट देती है। उसी आधार पर सरकार जो है भविष्य की नीतियाँ बनाती है। तो पहले चरण में जो है सेनावृत्ति कर्मियों को बहाल होने का मौका देगा, तत्पश्चात योग जो अभ्यर्थी है देख पाएंगे योग अभ्यर्थी उनको जो है यहाँ पे दोबारा बहाल होने का मौका देगा। तो आप लोग को बता दे यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपडेट देख पाएंगे। पशुपालन की जो मंत्री है उन्होंने जो है प्रेम कुमार जी उनके मुताबिक सांख्यिकी कर्मियों की कमी को देखते हुए फिलहाल जो है रिटायर को संविदा पर रखा जा रहा है। इसके अलावा प्रथम वर्गीय जो पशु अस्पताल में जल्दी जो है आप लोग को बता दे भ्रम जो है शील पशु और चिकित्सा बहाल किए जाएंगे। इन अस्पतालों में डाटा एंट्री ऑपरेटर देख पाएंगे, और एम्बुलेटरी और एम्बुलेंस वाहन चालक, चौकीदार आदि जो है पद पर बहाल होंगे। तो राज्य के जो है सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में पशु स्वास्थ्य सुविधा देने और पशु चिकित्सा जो है धरियाकरण टीकाकरण और जो है आप लोग को बता दें अभियान को सफलपूर्वक चलाने के लिए इनकी तैनाती की जाएगी। तो ये तैनाती आप लोग का आउटसोर्सिंग के आधार पर जो है पर भी यहाँ पे कर्मी की तैनात की जाएंगे, जिसमें 500 डाटा एंट्री ऑपरेटर के भी आप लोग का यहाँ पे जो है आउटसोर्सिंग के आधार पर तैनाती किया जाएगा। यानी कि कुल मिला के बात किया जाए, अभी बेल्ट्रॉन के स्टूडेंट जो है ज्वाइनिंग क्लास में बैठे हुए हैं, हो सकता है उनको यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग का मौका दे। ये थी अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली की न्यूज़, ठीक है, जो कि आप लोग का दो प्रकार की थी। पहले चरण में जो है सेनावृत्ति को मौका दिया जाएगा, दूसरी चरण में योग्य अभ्यर्थी को, ठीक है, यह बहाली होगी, नियुक्ति होगी। अब दूसरी अपडेट आप लोग को बताना चाहेंगे। तो दूसरी अपडेट कुछ इस प्रकार से देख पाएंगे, जो भर्ती नई प्रकार की आने वाली है वो पशुपालन विभाग की है, ठीक है। वो बम्पर भर्ती आप लोग का होगी, किस किस पदों पर, लिपिक के पदों पर, जिसमें आप लोग का 12th और ग्रेजुएशन पास जो छात्र छात्राएं हैं वो आवेदन कर पाएंगे। और आप लोग का जो दूसरी पोस्ट है वो आप लोग का माली की है, जिसमें 10th पास आवेदन कर पाएंगे। जो तीसरी पोस्ट है वो आप लोग का डेटा एंट्री ऑपरेटर की, जिसमें 12th पास आप लोग के साथ साथ टाइपिंग भी मांगा जाएगा, ठीक है। और ये पशुपालन विभाग में आप लोग का भर्ती होगी, फ्रेशर्स वैकेंसीज आप लोग का ये आने वाली है। ये जो नोटिफिकेशन जो नोटिस आई थी वो आप लोग का जनवरी 2020 में आई थी, देख पाएंगे। हमने वीडियो भी बनाए थे 6 मंथ एगो, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग परिपूर्ण देख लीजिएगा, आप लोग को पता चल जाएगी पूरी अपडेट की जानकारी। तो ये थी आज की भर्ती और बहाली से जुड़ी दो अपडेट, जो कि हमने सटीक जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से दे दिए। अब आशा करेंगे आप लोग को ये जानकारी यूज़फुल लगा होगा, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं। और इस वीडियो के प्रति अगर आप लोग के मन पर कोई भी सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर की दो और वीडियो आएगी, जो कि एक उर्मिला के तहत होने वाली है और एक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से होने वाली है। दोनों वीडियो में आप लोग को सच्चाई बताएंगे भर्ती के बारे में, ठीक है। तो दोनों वीडियो आज आ सकती है, तो वीडियो के लिए वेट करते रहिए और अपनी जो है मन में कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट करते रहिए, सभी का रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, इसी तरह बिहार से रिलेटेड पल पल अपडेट आप लोग को मिलते रहेगी। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।